कर आज हम लेके आए आपके लिए नया व्लॉग, जिसमें हम करने वाले हैं एक्सप्लोर ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड, जो कि होने वाला है जोगेश्वरी मिसल, जिसके बहुत सारे आउटलेट महाराष्ट्र में है। उसका एक आउटलेट महाराष्ट्र में भी आया है, जो कि आंगनबाजो रोड पे है, जो कि कार्निवल के पास। आप देख सकते हैं पीछे में कार्निवल, उसकी भी बाजू में आपको दिखेगा जोगेश्वरी मिसल। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और उसमें आपको हम दिखाएंगे किस तरह से वो मिसल बनाई जाती है, किस तरह से उसको वो दी जाती है, और उसकी टेस्ट किस तरह की है हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के मैनेजर, आपका नाम योगेश पाटिल, योगेश पाटिल हमारे साथ जुड़े हैं। तो जो यहाँ पर ये जो जोगेश्वरी मिसल है, ये कब लाते हैं? अभी इसको 6 महीना हो गया, सितंबर में इसके स्टार्टिंग, सितंबर में आपने इसकी स्टार्टिंग कर ली। ओके, तो इसका आपने एक महीने के बहुत सारे इसका स्टार्टिंग में पुणे से स्टार्ट हुई, पुणे से स्टार्ट, लगभग इसका 250 पूरे महाराष्ट्र में, 400 और अपने मराठवाड़ा में ये सिर्फ पहले ही स्पेशल मिसल और एक रेगुलर। ओके, मैं स्पेशल के अंदर अपना और एक दिल्ली जो वेट भी है आपके। तो आपके पास ड्रिंक्स वगैरह में आपको ड्रिंक्स में सर चाय मिलेगी, कड़ी और मसाला, ये मसाला आपके पास मिसल में दो टाइप की, नॉर्मल मिसल और स्पेशल मिसल। तो आपको क्या लगता है अच्छी मिसल कौन सी होगी? आपको दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है टेस्ट में, लेकिन स्पेशल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा पर्सन एक्स्ट्रा आएगा, साथ बटर मिल्क एक्स्ट्रा आएगा, साथ में पानी बोटल एक्स्ट्रा आएगा। ओके, और शाम के साथ लड्डू भी आएगा, स्वीट में स्वीट आएगा। तो फिर आपके सजेशन के हिसाब से तो भी मैं स्पेशल मिसल ट्राई करूँगा। थैंक यू आपका साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ है जोगेश्वरी मिसल के कुक, आपका नाम बताइए आप? गणेश देशपांडे हमारे साथ है। तो देशपांडे हमें बताएंगे किस तरह की यहाँ की चीज़ बनती है, या कि डिशेज यहाँ का जिस तरह से वो कुक करते हैं, तो पहले हम देखेंगे वो कैसा बनते हैं। तो चलो स्पेशल मिसल कैसे बनती है। तो अभी इनका एक और स्पेशल आइटम है, जो कि है इनकी भेल, मटकी भेल। तो अभी हमारे साथ है धीरज शिंदे, तो अभी वो हमें बना के दिखाएंगे कि मटकी भेल। तो चलिए we'll be right back.
स्पेशल भेड़, तो इसको भी हम आप ट्राई करने वाले। तो चलो हमारी स्पेशल जोगेश्वरी मिसल आ चुकी है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या है। तो इसमें अपने को मिलती है तर्री, जिसके साथ फरसान वगैरह ऑलरेडी उसमें मिस है। उसके साथ आपको मिलता है एक्स्ट्रा शेव, एक्स्ट्रा चूड़ा, एक्स्ट्रा पापड़ी, एक दही की वाटी, कटा हुआ प्याज, एक लींबू, एक छाछ, एक जो तर्री बोलते हैं उस तर्री का एक एक्स्ट्रा बकेट हमें यहाँ पे दिया है। मुझे बकेट बहुत पसंद आया, मतलब इतना छोटा बकेट मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं है। तो इसके साथ अपने को मिलते हैं पाव, जो कि पाव ये खुद इनके लिए स्पेशली बना के लेते हैं। इसके साथ अपने को मिलती है एक्स्ट्रा मटकी, और उसके साथ अपने को मिलता है एक स्वीट के लिए लड्डू। तो स्टार्टिंग में हमें खाने की शुरुआत करते हैं। अभी अब मेरे को जगह नहीं है, बहुत प्लेट भर चुके हैं अभी यहाँ पे, तो अभी ये छाछ बाहर रखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये है अपनी मिसल, स्पेशल मिसल। इसको पहले से अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। तो मुझे अभी ये तो बहुत तीखी लग रही है, पर देखेंगे, मुझे तीखा पसंद नहीं है, तो ट्राई करेंगे। चलो मस्त, मतलब मैं आपको ये बातों से बता नहीं पाऊंगा जब तक आप यहाँ पर आएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, इसके खाने की खूबसूरती टेस्ट को आप समझ नहीं पाओगे। तो अभी मेरे साथ मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है सैंकी, मतलब हम इसको संकेत कहते हैं, इसको पसंद है सैंकी कहना, तो हम इसको सैंकी कहेंगे अभी। तो अभी ये टेस्ट कर रहा है अपनी जोगेश्वरी मिसल। तो भाई टेस्ट करके बता तुझे कैसी लगी। गाइस सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ आना चाहिए गाइस, एकदम तगड़ी प्लेस है। स्पाइसी लग रहा है तुझे? एकदम एकदम जॉर्ड है भाई, अगर जिनको स्पाइसी खाना पसंद है उनके लिए सबसे बेस्ट है भाई, तुमको ट्राई करना चाहिए भाई। मेरा बोलना यही है, मेरा सजेशन ही यही है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, मतलब ट्राई किए बगैर आपको जोगेश्वरी की टेस्ट पता नहीं चलेगी, इतना तो कहेगा। एकदम भैया, मतलब एकदम स्पाइसी, एक नंबर भाई, जो तेज खाना खाते हैं उनके लिए एक नंबर है भाई। ओके, फिर अभी हम खा लेते हैं, इसके बाद हम ऑर्डर करने वाले हैं एक मटकी भेल, हम उसको बारे में भी आपको बताएंगे। पहले आपको हम पूरी प्लेट दिखा देते हैं अच्छे से। तो अभी मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, हम पहले खाएंगे फिर मटकी भेल का आपको वीडियो दिखाएंगे। ओके, अभी मेरा खाके तो अभी कैसा है, मेरा खाके तो हो चुका है, पर कभी कभी किसी को कोई कोई चीज़ इतनी पसंद होती है कि वो उसको रोक नहीं सकते, तो वो हालत हो चुकी है अपनी सैंकी की। सैंकी देखो यहाँ पे पाव मंगा मंगा के खा रहा है। सैंकी पाव का ख़त्म भी कर दिया सर। ओके, एक और पार एक्स्ट्रा उसने मंगाया है, तो मुझे यही कहना है सैंकी भाई बस कर, मतलब अपने को दूसरा भी आइटम खाने का है, टेस्ट करने का है। फिर अभी यहाँ पे मौसम ख़राब होने की वजह से हवा छूटी है, अगर नॉइस आ रहा हो तो उसको माफ़ कर दीजिए। आपको एक्सपीरियंस कैसा है बताने के लिए हमने यहाँ पे मटकी भेल मंगाई है। तो मटकी भेल में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे ऊपर मटकी होती है, अंदर सेव होता है, बाद में उसके अंदर देखे तो तीखा चूड़ा होता है, उसके अंदर नीचे पापड़ी होती है, उसके नीचे होता है आपने चुरमुरे। तो पहले इसको अच्छे से मिला लेते हैं हम। मतलब क्वांटिटी जो दी है ना इन्होंने भाई असम है, क्योंकि एक आदमी इतनी भेल तो नहीं खा सकता, कम से कम इस भेल को खाने के लिए नॉर्मल लोगों को तो दो लोग खा सकते हैं, इसको आराम से खा सकते हैं। साथ में इन्होंने अपने को टमाटर दिए, प्याज दिया है, बाद में ककड़ी दी है, सही है, बहुत सही है। जब आप तीखी मिसल खाते हो ना, अगर उसके बाद आपको कुछ तो चाहिए आपका तीखापन ख़त्म करने के लिए, तो ये भेल सबसे सही बात है। तो गाइस हमने कर दिया है अभी हमारा खाना ख़त्म। तो सैंकी बता तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। गाइस हमने तो सब खाली कर दिए, खाना एक नंबर है गाइस, आपको आना चाहिए अगर आप स्पाइसी लवर हो तो।
मेरा बोलना यही है, मैं स्पाइसी लवर हूँ पर इतना भी नहीं जितना संकी जैसा है। भाई ने पाव मंगा मंगा के खाए, अभी इसकी मुश्किल जो होगी वो हम कल देखेंगे क्या होगा। भाई सब खाली कर दिए तेल, भाई ने तो आखिर में वो बकेट से पिया उसने, पता है क्या तो बोल रही है। नहीं मिसल तो बहुत अच्छी थी, मुझे पसंद है, मिसल बहुत अच्छी है, मेरे को भी अच्छी लगी। हाँ तो अगर आपको आना है तो मैं बोलता हूँ आप जोगेश्वरी पे ही मिसल आके खाइए, सच्चे में बहुत ऑसम मिसल। हमने हमारा एक्सपीरियंस तो बता दिया है, तो अभी यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं जो खाने को आते हैं उनसे भी उनका एक्सपीरियंस ले लेंगे। तो आपका नाम? नारायण देशपांडे का नाम है। तो आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? आपको कैसे ऐसी टेस्ट मैंने कभी खाई नहीं है, पहली बार खाया है। तो सबका यही कहना है जो कि मिसल सबसे अच्छी है, तो आइए यहाँ पर खाइए और आपका भी एक्सपीरियंस ऐसे शेयर कीजिए।